बापू जी पर जो आरोप लगे हैं आपको क्या लगता है वो सब सत्य हैं? नहीं नहीं, उसमें तो 1% सत्य है, कुछ भी वो तो टोटल बोगस, जैसे कि एक बनाव पूरा कहानी एक बनाई गई, एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई और उसे परोसा गया वेल अप्रोप्रिएट फॉर्म में कि मार्केट में पब्लिक क्या चाहती है, उसी वे में मसाला बनाया गया और मसाला परोसा जा रहा है। और ये मैंने पहले भी बोला कि जब श्रद्धा कोई बिकाऊ चीज़ थोड़ी ना है, श्रद्धा कोई न्यूज़ चैनल ने खरीद के थोड़ी ना दी कि हम उसकी बात सुनेंगे तो हम श्रद्धावान होंगे। श्रद्धा तो आंतरिक विषय है, वो किसी के बोलने से डिपेंड नहीं करती है। श्रद्धा हुआ, विश्वास हुआ, वो आंखों से और दिल से अनुभव किया जाता है। आपको क्या लगता है बापू जी पर जो आरोप लगे हैं क्या है वो सत्य हैं? बिल्कुल गलत है। जब हम 1978 से आते हैं, मेरा बेटा आता है, मेरी बहू आती है, मेरे पोते आते हैं, तो ऐसे आप आश्रम में कब से आते हैं? 1978। उसके बाद मेरा विवाह हुआ। आपको क्या लगता है जो आरोप बापू जी पर लगाए गए हैं वो सब सत्य हैं, बेबुनियाद है और ये बिना कारण लगाए गए हैं और कोई उसमें सत्यता नहीं है? और बापू जी हमारे निर्दोष हैं, ये सारे झूठ आरोप लगाए गए हैं, बाकायदा प्लानिंग बनाई गई है बापू जी को फंसाने के लिए। आश्रम बंद नहीं हो रहा है, सब आश्रम खुले हुए हैं, सब आश्रम में जाते हैं, कभी कोई आश्रम बंद हुआ ही नहीं है। बापू जी गए तब से वो लड़की झूठ बोल रही है, वो षड्यंत्रकारियों से मिली हुई है और वो सब झूठ बोल रही है, उसका सच सामने आके ही रहेगा। मेरा नाम पायल है, मैं राजस्थान से आई हूँ। क्या है, अभी भी विश्वास है बापू जी के ऊपर? हाँ, बापू जी पे बहुत विश्वास है, 8 साल के लिए तब से बापू जी के सत्संग में सब जगह मतलब जाना फॉलो किए और फॉलोवर्स इतने सारे हैं बापू जी के, और उसकी वजह से ही सारी जो कंडीशंस है, दुश्मनी है, वो इसी कारण है कि बापू जी के सरदारों में भक्त बहुत सारे हैं। और बापू जी को जितना लोग मानते हैं उतना किसी को संत को नहीं मानते हिंदुस्तान के अंदर। एक्चुअली क्या है कि ऐसा लगता है कि हर युग के अंदर जिस तरह संतों को सताया जाता है, एक उसका एक हिस्सा लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश है जिसके तहत बापू को परेशानी दी जा रही है। अच्छा, क्यों साजिश की जाती है उनके ऊपर? साजिश इसलिए की जाती है कि एक तो समझो हमारा देश एक ही है, हिंदू राष्ट्र की है, समझो हिंदू राष्ट्र भी उसको बनने नहीं दे रहे सेक्युलरिज्म की वजह से, तो उसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती है भाई, इसमें समझो क्रिश्चियनिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए। आप देखो यहाँ पे भी डांग वगैरह में, यहाँ पे MP वगैरह में के जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे कन्वर्जन बहुत ही ज़ोर से चल रहा है, तो बापू जी ने इसका जम के विरोध किया है। बापू जी ने वहाँ भंडारे करवाए, वहाँ पे वो आओ भजन करो वो प्रवृत्ति चलाई, तो ये सब के कारण बापू जी ये सब झेल रहे हैं। और वही नेचुरल पब्लिक है, उनको जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती वो देखती है और यही हो रहा है। और पब्लिक को तो एक माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, पब्लिक को जो नॉर्मल न्यूज़ देख रहा है वो इंटेलिजेंस से ऐसा नहीं प्लान करता है ना कि भाई जो दिखाया जा रहा है ट्रीट अप्रोप्रिएट सही है, और उसका मोटिव भी नहीं होता, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ही सीइंग द न्यूज़, और उसका जो मोटिव ये नहीं है कि भाई मैं इसके तथ्य तक जाऊँ। तथ्य तक तो वही लोग जाना चाहते हैं जो क्लोज में है, अदर देन जो पब्लिक है वो एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रही है और उसी तरीके से वो माइंड सेट कर लेती है अपना। तन में प्राण है जरूर आएंगे, और आपने कहाँ जाना, एक गुरुदेव ही हैं जिनकी वजह से सांसें चल रही हैं। आप अभी नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समय, शबरी की नाई हम लोग सब गुरुदेव की प्रतीक्षा। बापू ने जो दिया है ना उसके लिए हम वापस कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ये हमारी भारत का गुरुकुल परंपरा थी, ये बापू लाना चाहते हैं, इस पर अटैक करने के लिए ने बापू को बदनाम किया। कितनों आप आरोप लगाए विदेशी, वो उनकी नहीं चलेगी, जब भगवान की जब लाठी लगेगी वो खुद को खुद एक दिन पैर पकड़ेंगे सारे विश्व के लोग, एक नहीं सारे विश्व के। हम तो 10-15 साल से आते हैं और हम कहीं भी जाते हैं तो बापू के दर्शन के बिना जाते ही नहीं, और कहीं भी जाते हैं तो कुछ टेंशन कुछ ऐसे ही है तो गुरु जी को साथ में लेके चलते हैं। कई जगह के आश्रम में मैं गया हूँ, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई भी आश्रम बंद हो या आपकी साधक नहीं आते। मैं 1993 से आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गया। बंजारा जी आए थे, सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे लोग भी बोलते हैं कि उसमें रेप का FIR में भी दर्ज नहीं है। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि आप FIR की कॉपी लाओ और उसमें अगर रेप लिखा हो तो 11 लाख हमसे लेके जाओ। कोई भी नहीं आता है, कोई दिखाता भी नहीं है, ये मीडिया ट्रायल है पूरा, मीडिया के दबाव में सब चल रहा है। प्लस ये जो कन्वर्जन चल रहा है, बापू जी ने बहुत लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई है, तो इसीलिए बापू जी के ऊपर ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ख्याल से ही जज के दबाव में आके उनको फैसला दिया है,
जो धाराएं लगी है वो तो सब हट गई थी। बेबी पता नहीं क्यों उनको ऐसा फैसला दिया हुआ है, मीडिया की ट्रायल से हिसाब से दिया है। बाकी बापू तो पूरी तरह निर्दोष है, भगवान भी आके बोलेगा बापू दोषी है तो हम नहीं मानेंगे। मीडिया कुछ भी दिखता है, ये सब झूठी खबर है। कोई भी आश्रम बंद नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। साधक आते रहेंगे, आश्रम चलता रहेगा। जो लोग बोलते हैं, जो बकने बकने, तो कोई आश्रम बंद नहीं होगा। तो बापू भी जल्दी आ जाएंगे हाईकोर्ट से, उनको जल्दी रिहा मिल जाएगा। 100% हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। हमको तो बापू जी के ऊपर तो विश्वास है, तो बापू जी के ऊपर विश्वास है, इसलिए हम आते हैं। हम तो आते ही रहेंगे। बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। शुरुआत यहाँ से ही हमारी हुई है, गुरु की है हमारा। अभी मेरे को 10-12 साल हुआ होगा नाम जान लेके भी। मीडिया बिकी हुई है, लाओ जो तुमको चाहिए, मैं छपा दूँ मीडिया में, लाओ पैसा। अभी जो चल रहा है ना, इनको अभी हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए ये सब कार्य हो रहा है। जहाँ संत खत्म हुए वहाँ हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा।